में सोथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनके हाथ में हमें क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलती हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो इनको यूनिक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिंगर्स के एनालिसिस के साथ। तो साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ लग सके कौन सी फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ और कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली के फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, स्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे फ्लॉ नज़र आ रहा है, वो है टिल्टेशन। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं जो फिंगर्स की टिल्टेशन है वह तीनों फिंगर्स की टिल्टेशन हो रही है सैटर्न की फिंगर की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी फिंगर थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई हैं शनि की फिंगर की तरफ। तो इनके जीवन में वैराग्य की भावना समय समय पर उत्पन्न होती रहेगी। तो कुछ इस तरह की भावनाएं आती हैं व्यक्ति में जब वह अकेलापन महसूस करता है और ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए नहीं बचा। तो इस तरह की भावनाएं आएंगी लेकिन होगा कुछ नहीं। तो इनको निश्चिंत करना चाहूँगा, यह सिर्फ एक तरह से माइंड सेट रहेगा, ख्याल रहेंगे, लेकिन बाकी की सारी जो इनकी एनालिसिस है वो बाकी इनकी हथेली के हिसाब से लाइफ चलेगी। यह सिर्फ एक तरह की फालतू की भावनाएं हो सकती हैं जिनके ऊपर यह कंट्रोल पा सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करके। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या पता चलता है इनके हैंड से। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति, और साथ ही साथ जो यहाँ पर माउंट्स हैं कोई भी माउंट ज़्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा मरकरी का माउंट थोड़ा सा लो सेट जरूर नज़र आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं, क्योंकि माउंट की कंडीशन वैसे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और सबसे हाई सेट जो माउंट्स इनके हाथ में हैं वो है शनि का और गुरु का माउंट। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है वो ठीक है, कोई भी फिंगर ज़्यादा छोटी नहीं है। अगर बात की जाए मरकरी फिंगर की तो वह भी एवरेज है, ना ही ज़्यादा छोटी है ना ही बड़ी। तो कुछ भी इसमें से ज़्यादा नेगेटिव नहीं निकलने वाला। तो आगे चलते हैं फिंगर्स की सेटिंग के बाद अब बात करेंगे इनके माउंट्स की। तो माउंट्स को देखने के लिए थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा ताकि आपको क्लियरली एक एक लाइन यहाँ पर नज़र आ सकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों के चार माउंट्स इनके बहुत ही क्लियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इनके मरकरी माउंट से, काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर मरकरी का माउंट। तो काफ़ी अच्छा इनका जो माइंड रहेगा, बुद्धि रहेगी, काफ़ी तेज रहेगी। थोड़ी सी शाइनेस हो सकती है लेकिन कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। शाइनेस होना स्वाभाविक है, वो भी सिर्फ स्ट्रेंजर्स के प्रति, सबके प्रति नहीं, जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिलेंगे तो थोड़ी सी शाइनेस होने की संभावना रह सकती है। और अगर बात करें मैरिज लाइन की तो यहाँ पर मैरिज लाइन जो है मुझे 25 प्लस की एज में नज़र आ रही है। तो 28 के आसपास की एज में इनकी शादी के योग बन रहे हैं। मैंने बाकी की फोटोग्राफ्स इनकी देखी हैं साइड पोज से, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी लाइन है। तो कोई भी नेगेटिव थिंग यहाँ मैरिज रिलेटेड नहीं है, तो जो इनकी मैरिज रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और उसका दूसरा कारण यहाँ पर बनने वाला एक क्रॉस का चिन्ह है जो थोड़ा छोटा जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनना अपने आप में ही बड़ी बात होती है, जिसको हम बृहस्पति यानी कि गुरु के माउंट पर बनने वाला क्रॉस कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। तो मैट्रिमोनियल लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर बात करें सूर्य माउंट की तो सूर्य का माउंट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दबा हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया में। तो थोड़ा सा सूर्य के उपाय इनको करते रहना चाहिए ताकि इनको प्रसिद्धि मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही कोई लाइन, स्ट्रांग लाइन सीधी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी तो इनको फेम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन दो अपवर्ड लाइन्स जरूर हैं जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फल इनको फ्यूचर में जरूर देंगी। तो चलिए सैटर्न माउंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न माउंट का ट्राइरिडल काफ़ी हाई सेट है। जितना ये सेंटर में होता है उतना ही ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है। ज़्यादा ऊपर होने से व्यक्ति के अंदर उस माउंट से रिलेटेड जो गुण होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो सैटर्न क्या करता है, हमें वैराग्य की तरफ खींचता है। शनि का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है, शनि बहुत कुछ देता है व्यक्ति को, पैसा भी बहुत देता है, सुख सुविधाएं भी देता है, लेकिन साथ ही साथ वैराग्य की भावना भी व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। तो सैटर्न का माउंट यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पर ट्राइरिडल, जिसको हम छोटे बारीक लाइनों से बनने वाला एक त्रिकोण कहते हैं, वो इनके हाई सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइरिडल की फॉर्मेशन इस जगह पर इनके काफ़ी क्लियर हो रही है। कुछ इस तरह से लाइनें जो चलती हैं
ऐसे घूमने वाली जो बारीक लाइनें होती हैं उनसे बनता है ट्राइडेंट, तो काफ़ी हाई सेट है, तो शनि के काफ़ी अच्छे प्रभाव रहेंगे इनके ऊपर, और साथ ही साथ शनि की वजह से ये धार्मिक भी हो जाएंगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनके गुरु के माउंट को, तो ट्राइरिडल बिल्कुल सेंटर में बन रहा है जो काफ़ी शुभ है, और गुरु के अच्छे प्रभाव इनको मिलेंगे, गुरु की वजह से लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, और मैट्रिमोनियल लाइफ इसकी वजह से काफ़ी अच्छी इनकी होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। तो सबसे पहले चेक करते हैं इनकी हार्ट की लाइन को, तो एक बार सारी लाइनों को मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, हार्ट की लाइन को देखते हैं, उसके बाद बाकी की लाइंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सारी लाइंस क्लियरली नजर आए, तो मैं थोड़ा सा इसको हाई स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो यहाँ साथ साथ मैं ड्रॉ करता जाऊँगा। तो यहाँ से आप हार्ट की लाइन को देख सकते हैं, दोनों ही माउंट्स के बीच में से शुरू हो रहे हैं, पर ज़्यादा इसकी जो कमेंसमेंट है वह लगभग शुरू हो रही है सैटर्न के माउंट के नीचे से, तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा रहेगी, दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके प्रति इनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, वैसे इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि हार्ट की लाइन का जो कर्व है वो काफ़ी ऊपर से चलता हुआ मुड़ रहा है, तो इमोशनल काफ़ी रहेंगे, और साथ ही साथ काफ़ी क्लियर हार्ट है इनका, और विष्णु सिंबल का शुरू में बना, यह जो वी का सिंबल जहाँ पर मेरा माउस है इसका बनना मीन्स लाइफ के शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, लेकिन आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी और स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी माइंड की लाइन की। तो माइंड की लाइन क्या बताती है इनके बारे में, काफ़ी स्ट्रेट एंड सीधी लाइन और काफ़ी लंबी लाइन जिसको मैं कह सकता हूँ बिना किसी फ्लॉ के। तो यहाँ पर जो लाइन है इनकी कुछ इस तरह से चल रही है, मंगल क्षेत्र से शुरू हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है यह मंगल का एरिया, और मंगल क्षेत्र से शुरू होकर लाइन जो सीधी चलती है वैसे बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है, क्योंकि मंगल का जो बल होता है, जो एनर्जी होती है व्यक्ति को, वो मिलती है सोचने में और अपने कामों को करने में। लेकिन यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मंगल से लाइन शुरू होती है बड़े एग्रेशन में काम शुरू करते हैं, बड़ी जल्दी किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत सारी चेंजेस करते जाते हैं, एक फिक्स्ड प्लान के ऊपर ऐसे व्यक्ति नहीं चल पाते, तो कुछ इस तरह का रुझान रहता है। लेकिन इनकी लाइन में कोई भी फ्लॉ नहीं है, तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी लाइन है, काफ़ी शार्प माइंड है, काफ़ी सारे नए नए काम शुरू करने की प्लानिंग्स इनके माइंड में आती रहेंगी, और काम बहुत सारे शुरू भी करेंगे, लेकिन प्लानिंग्स भी समय के साथ साथ चेंज होती रहेंगी, तो कुछ इस तरह का फल इनको यह माइंड की लाइन इनका देने वाली है। आगे बात कर रहा हूँ इनकी लाइफ लाइन की, लाइफ लाइन इनके बारे में क्या बता रही है, तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम माइंड की लाइन में, लाइफ लाइन जहाँ पर जुड़ रही हैं तो कुछ बचपन में प्रॉब्लम्स इनको रही होंगी, अपनी फैमिली की तरफ से इमोशनल सेटबैक मिले होंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई ना कोई, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इनकी जो स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है वह 18 के आसपास की एज, यहाँ पर मैं ये एरो बना रहा हूँ, लगभग 18 वर्ष की एज के बाद, 18 वर्ष की एज के बाद लाइफ लाइन कुछ स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है, तो आगे की लाइफ इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइफ लाइन के ऊपर मुझे कोई भी मेजर स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, एक या दो हल्की लाइनें हैं जो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं, और लगभग यह प्रॉब्लम भी इनके 28-30 के आसपास की एज में नज़र आ रही हैं, अदरवाइज कोई भी मेजर सेटबैक इनकी लाइफ में आगे नहीं है, जो पहले निकल चुके हैं उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आगे की फ्यूचर लाइफ की बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि फ्यूचर की लाइफ में कोई भी मेजर सेटबैक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इनकी लाइफ की बात की जाए तो थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप करूँगा तो और बढ़िया एक बार हमें पता चल सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइफ की लाइन इनकी इस तरह से चल रही है कि लाइन आगे चलकर शिफ्ट हो रही है बाहर की तरफ, एक फिश टाइप सिंबल बन रहा है, विदेश में सेटल होने के चांसेस देता है, लेकिन एक ब्रेक भी है, रुकावटें भी हैं उसमें, तो इतनी इजीली यह विदेश में सेटल नहीं हो पाएंगे, फैमिली की तरफ से प्रेशर रहेगा इनके ऊपर अपने देश को ना छोड़ने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, 70% चांसेस हैं कि ये विदेश में सेटल हो जाएंगे, और लेकिन इनका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ फिर भी बना रहेगा। अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज इनकी एक ब्रेक के बाद, यहाँ पर दूसरी लाइन को कवर भी कर रही है, ब्रेक के बाद लगभग 80 के आसपास यानी कि 80 वर्ष की एज यहाँ पर मैं एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, और जो ओनली प्रॉब्लम होगी इनको वह लगभग 70
यानी 70 वर्ष की आयु में कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, अदरवाइज लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरी लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइंस होने के बावजूद भी कोई भी लाइन इनकी लाइफ लाइन को नहीं काट पा रही, ना ही टच कर पा रही, तो बहुत ही लकी हैं ये। चिंताएं इनको रहेंगी, लेकिन किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन इनकी लाइफ लाइन को इफेक्ट नहीं कर पा रही। आगे बात करते हैं फेट की लाइन की, तो फेट की लाइन मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। फेट की लाइन में एक या दो जगह पर थोड़ी सी वीकनेस है, अदरवाइज फेट की लाइन जो चंद्र क्षेत्र से चलती हुई आगे बढ़ रही है, तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी इनकी किस्मत रहेगी। पैसा इनकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा लगभग 25 के आसपास की एज से, और कुछ दिक्कतें आएंगी 33 की एज में। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं। यहाँ पर जो लाइन इनकी फेट की चल रही है, वैसे तो काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल भी बना रही है, यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीक हो रही है। और वैसे मनी ट्रायंगल की काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, अगर इस लाइन को पूरा माना जाए तो कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है, पैसे का संचय इनके पास होगा, काफ़ी अच्छा खासा पैसा ये जमा भी कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 33 के आसपास की एज से लेकर यहाँ पर कुछ नुकसान का मुझे एक तरह से भय नज़र आ रहा है। 33 की एज से लेकर लगभग 36 की एज तक थोड़ी सी इनकम में कमी आएगी, और उसके बाद 36 से लेकर यहाँ तक लगभग जो इनकी एज निकल कर सामने आ रही, 36 से लेकर 52 की एज तक, अप्रॉक्सीमेट 36 से 52 की एज तक जो है इनकी इनकम फिर से बहुत अच्छी होने वाली है। आगे फिर थोड़ी सी कमियाँ, और उसके बाद जो लाइन है वो मर्ज हो रही है इनकी हार्ट की लाइन में। तो इस तरह से कुछ इनका करियर रहेगा, और बहुत ही अच्छा फैमिली रिंग के ऊपर बड़ा सा आइलैंड नज़र आ रहा है, एक नहीं दो दो आइलैंड नज़र आ रहे हैं। तो दो मेल चाइल्ड इनको मिलने की संभावना है, मिलने की नहीं, कहने का मतलब होने की संभावना है। तो शादी के बाद दो बेबी बॉयस इनको मिल सकते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुझे यव का चिन्ह भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लकी है, क्योंकि इस चीज़ के साथ एक कन्फर्मेशन हो जाती है, जब क्रॉस आता है इनके बृहस्पति माउंट पर क्रॉस होता है और साथ में यव का चिन्ह, तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है और काफ़ी अच्छे विचारों का होता है। और अगर हथेली की शेप की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी स्क्वायरिश हैंड मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी मेहनती व्यक्ति का हाथ जिसको हम कह सकते हैं। तो स्क्वेयर टाइप का जो इनका पाम है, इसके पता चलता है कि बहुत मेहनती हैं, और मेहनत से ही अपनी से ये सारा कुछ कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी लाइफ ये अपनी स्पेंड कर सकेंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, एक बार सारी लाइनों को मिटा रहा हूँ ताकि एक बार हैंड आपको दोबारा से दिखा सकूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइनें आपको यहाँ पर दोबारा से नज़र आ जाएंगी। तो यह एनालिसिस इनके हैंड के, और मैंने कोशिश की सारी की सारी लाइनों को और सारे चिन्हों को जो भी इनके हाथ में दिखाई दिए अपनी वीडियो में कवर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह या निशान रह जाता है या जिसके बारे में मैं कुछ ना बता पाया तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे इसी ईमेल पे जहां पर मैं इनको लिंक सेंड कर रहा हूं वहीं पे मुझे वापस क्वेश्चंस अपने रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस आप इजीली देख सकें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।